हाय एवरीवन, दिस इज कौकब यासीन फ्रॉम केडिटर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे सामने स्क्रीन पर ये फोर आर्ट बॉक्स का एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसे हमने क्रिएट किया था अपने प्रीवियस सेशन में और बात की थी सभी बेसिक ऑप्शंस पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट के एडवांस्ड ऑप्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉप मेन्यू बार के फर्स्ट ऑप्शन फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू को। फ्रेंड्स, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं जो कि इस न्यू कमांड का स्टैंडर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट है। यहाँ क्लिक करने से हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है हमारी प्रीवियस सेटिंग के साथ एक्सेप्ट इस डॉक्यूमेंट नेम के। तो चलिए हम यहाँ पर अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट नेम ही पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर चुके हैं सभी बेसिक ऑप्शंस पर अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप भी न्यू डॉक्यूमेंट के बेसिक ऑप्शन सेटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक अवेलेबल होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस एडवांस्ड ग्रुप की। यहाँ इस ट्विडली ट्राइंगल के थ्रू हम इस ग्रुप को क्लोज और ओपन कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास तीन न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है कलर मोड, जिसमें हमारे पास है CMYK एंड RGB। तो यहाँ मैं इन कलर मोड्स का जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगी, चलें देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं, CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये फोर प्रोसेस कलर इंक्स हैं जो कि कलर प्रिंटिंग में यूज होती हैं, दैट्स व्हाई CMYK एसोसिएटेड होता है प्रिंट डिजाइन के साथ। दूसरी तरफ हमारे पास है RGB जो कि है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये हमारे थ्री प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट हैं। ये मोड एसोसिएटेड होता है स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ डॉक्यूमेंट सेटिंग में इम्पॉर्टेंट होता है करेक्ट कलर मोड को चूज करना। लाइक अगर हमारा प्रोजेक्ट वेब या फिर डिवाइसेस से रिलेटेड है तो हम यहाँ से इस RGB मोड को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप यहाँ ये येलो वार्निंग आइकन देख सकते हैं। इलस्ट्रेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सिलेक्टेड मोड हमारे डॉक्यूमेंट प्रोफाइल से डिफरेंट है। लाइक आप जानते ही हैं कि हमने इस डॉक्यूमेंट सेटिंग के वक्त प्रिंट को एज अ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल सिलेक्ट किया था और आप जानते ही हैं कि प्रिंट डिजाइन के लिए हमारे पास CMYK मोड होता है। तो यहाँ मैं स्विच बैक करूंगी CMYK पर। नेक्स्ट हमारे पास है रास्टर इफेक्ट। रास्टर के लिए हम पिक्सल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ हमारे पास कुछ बिल्ट इन रास्टर इफेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं लाइक ड्रॉप शेडो एंड ब्लरी इफेक्ट, जिनको कि हम अपने डिजाइन में शामिल कर रहे होते हैं। अब अगर हम किसी प्रिंट डिजाइन पर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ इस हाई डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही काम करेंगे, लेकिन स्क्रीन के लिए हम यहाँ से 72 पिक्सल पर इंचेस पर स्विच कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ। काम करने का एडवांटेज ये होता है कि ये इफेक्ट्स जो हैं वो क्विकली रेंडर हो जाते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू हाई होगी, रेंडरिंग टाइम उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो अब लास्टली देख लेते हैं इस प्रीव्यू मोड को। यहाँ हमारे पास दो अल्टरनेट ऑप्शन है, पिक्सल एंड ओवरप्रिंट। पिक्सल डिजाइन होता है स्क्रीन ग्राफिक्स के लिए। लाइक इस मोड के साथ इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स को इस तरह से डिस्प्ले करता है जैसे कि वो स्क्रीन पर नजर आता है। इसी तरह से ओवरप्रिंट होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो अब यहाँ हम इस डिफॉल्ट मोड के साथ अपनी सेटिंग को ओके कर सकते हैं बिकॉज हम इस प्रीव्यू को किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप दिस हेल्प्स यू। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लिख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तमाम लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।